उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगामी 11 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन कर रहा है, जिसमें सुलह समझौते के आधार पर लंबित वाद निपटाए जाएंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन तथा प्राधिकरण की सचिव त्रिचर रावत ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी, NIR, मोटर दुर्घटना सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने इच्छुक वादकारियों से 5 सितंबर तक मामले नियत करने की अपील की है। प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी 11 सितंबर 2021 को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर बागेश्वर में किया जा रहा है, और इसमें फौजदारी के शमनीय मामले, 138 NIR से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकरण संबंधित मामले, पारिवारिक जो भी मामले हैं, श्रम संबंधित मामले और प्री लिटिगेशन से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई मामला इसमें लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है, तो वो किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को लोक अदालत में संदर्भित करा सकता है। 10 सितंबर तक वो अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए वो हमारे कार्यालय के नंबर 0596322184 पर संपर्क करें। वो सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे। और मैं एक बार दोबारा से आपको कैटेगरी बता देती हूँ। फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 NIR के संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधित मामले, वैवाहिक कुटुंब न्यायालय के मामले, श्रम संबंधित मामले, भूमि अर्जन के मामले, दीवानी वाद, राजस्व संबंधित वाद, विद्युत एवं जल बिलों के मामले, वेतन भत्तों से संबंधित मामले, धन वसूली और प्री लिटिगेशन के, लेकिन वही जो कि सुलह समझौता के आधार पर स्थापित। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।